हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर। आज मैं सोमप्राज एल कैप्सूल की जानकारी लेकर आई हूँ। यह सन फार्मा द्वारा निर्मित है और लेवोसुल पिराइड और एसोमेप्राजोल इस दवा का घटक है। लेवोसुल पिराइड का उपयोग सीने में जलन, मितली, उल्टी और मधुमेह रोगियों या एक प्रकार का पागलपन और अवसाद के उपचार में उपयोग किया जाता है, और एसोमेप्राजोल का उपयोग अम्लता यानी एसिडिटी, सीने की जलन, आंतों के अल्सर और पेट के अल्सर के उपचार में किया जाता है। तो इस तरह से सोमप्राजोल एल पेट में सूजन, गर्ड, बदहजमी और डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस जैसी बीमारियों के इलाज में काम आती है। यह मस्तिष्क के कुछ रसायनों की कार्रवाई को संशोधित करता है जो विचारों और मूड को प्रभावित करता है, साथ ही पेट में एसिड का उत्पादन कम करती है। यह अधिकतर मामलों में दी जाने वाली सोमप्राज एल की खुराक है। कृपया याद रखें कि हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोग दवाई देने के तरीके, रोगी की आयु, रोगी का चिकित्सा इतिहास और अन्य कारकों के आधार पर सोमप्राज एल की खुराक अलग हो सकती है। कभी कभी इससे कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं जो हमेशा नहीं होते हैं, जैसे सिर दर्द, थकान और बहुत ज़्यादा पसीना आना, बुखार, अनियमित दिल की धड़कन, पेट में ऐठन, मतली, उल्टी या पेट दर्द या कब्ज, दस्त या फिर पेट की गैस या उलझन, मुंह सूखना, चक्कर आना, छाती में दर्द या अपच जैसे कुछ दुष्प्रभाव होते हैं और जल्दी ही समाप्त नहीं होते हैं, तो आप इस दवा का इस्तेमाल बंद करके डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। सोमप्राज एल कैप्सूल किडनी के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित है और यह लीवर को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाती है और लीवर पर होने वाले इसके बुरे प्रभाव कम होते हैं। साथ ही यह हृदय के लिए भी हानिकारक नहीं होती है, लेकिन गर्भवती और स्तनपान वाली महिलाएं इस टैबलेट कैप्सूल का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, और साथ ही किसी तरीके की कोई गंभीर बीमारी है तो भी डॉक्टर की सलाह के बगैर सोमप्राज एल कैप्सूल का सेवन न करें। वैसे सामान्य तौर पर सोमप्राज एल कैप्सूल खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है और इसे दिन में एक या दो बार लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की सलाह से लिया जाए तो किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सकता है। डॉक्टर के कहने पर यह पूरी तरह से सुरक्षित है। तो फ्रेंड, इस तरह से सोमप्राज एल कैप्सूल की जानकारी यहीं पूरी होती है और आशा करती हूँ कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।